नमस्कार। सिंह राशि पर बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा सभी भाई और बहनों के लिए। टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी भाई, किसान तथा वयोवृद्ध लोग और स्टूडेंट्स तथा हमारे सेना के जवानों, चाहे पुलिस के जवान, डॉक्टर, प्रोफेसर, सबको साधुवाद और बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं कि आप लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें, यही सोच करके ये वीडियो बना रहे हैं। आपके कर्म स्थान से लेकर के पराक्रम स्थान तक की चर्चा की जाएगी, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको ये बताना है कि आप कैसे अपना बचाव करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तीन विशेष बातें करेंगे, तीन विशेष बातें। पहली होगी बृहस्पति का वक्री होना 119 दिन तक, अर्थात 4 महीने। अगर 119 में एक और जोड़ देते हैं 120 हो जाएगा, 4 महीने। और शनि और मंगल का षडाष्टक योग, जो कि पूरे विश्व में धूम मचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसका क्या सरोकार, क्या संबंध है सिंह राशि से। इसके अलावा आपकी राशि का स्वामी, आपकी सिंह राशि है, ये वीडियो सिंह लगन वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी लग्न और राशि दोनों पर एक जैसा प्रभाव होगा। सिंह लग्न आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन अगर सिंह लग्न है तो आप इसको अपने से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं खास तौर से केतु और राहु की, जो आपके सेकंड हाउस और अष्टम भाव का कारक नहीं बल्कि गोचर में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। बहुत धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करके बात समाप्त करेंगे। नंबर एक, आपके दशम स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में 119 दिन रहेंगे। इसके मायने क्या है, आपको क्या दे रहा है ये बकरी होकर के बृहस्पति, आइए जानते हैं। अष्टम भाव और आपका पंचम भाव, बुद्धि स्थान और मृत्यु का स्थान, आपकी राशि को गवर्न कौन कर रहा है, बृहस्पति। वो बकरी हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, लेकिन रेट्रोग्रेड के बारे में शास्त्रों में विशेष चर्चा ये है कि वो एक पिछले स्थान पर भी प्रभाव डालता है। तो क्यों ना बृहस्पति को सिंह राशि के नवम भाव में मान लिया जाए। जैसे गणित का एक सवाल होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, जब वक्री होगा तो आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पात करेगा और आपकी जो अनिष्ट की आशंकाएं हैं, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, पेट का रोग तथा भय जो लग रहा था, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे लिए, कोई बहुत बड़ा हानि हो जाएगी, एंग्जाइटी थी, तनाव थी, चिंता थी, पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, और वृद्ध लोगों को प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं, ग्लैंड्स, लीवर की समस्याएं, ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 119 दिन आपके लिए पॉजिटिव होगा। जिन अब यहां दशम भाव है, दशम भाव में गुरु 119 दिन तक आपकी प्रमोशन, तरक्की, नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके पिता की तरक्की, पिता का सम्मान, जो आपकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए थे, आपके शत्रु बहुत हैं, चारों तरफ आप नजर दौड़ा के देखेंगे आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, लेकिन जिन जिन सिंह राशि और सिंह लगन का एकादश भाव में सूर्य बैठा होगा कुंडली के अंदर, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जिनका जन्म हुआ होगा और सुबह 10 बजे के आसपास उनका सिंह लगन होगा, सिंह राशि होगी और 11वें सूर्य होगा, तो आपके शत्रु आपके यश और प्रतिष्ठा की जो अग्नि है उसमें जल के मर जाएंगे।
जल जल के मर जाएंगे आपके शत्रु, ऐसा ग्रह बताता है। अब दशम भाव का बृहस्पति आपको पॉजिटिव फल देगा। सूर्य नीच राशि में आ रहा है, आपकी राशि का स्वामी है और इसका संक्रमण और संचरण 17 तारीख को सुबह 7:42 पर होगा। यह आपके लिए खराब फल इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, खराब स्थान में नहीं बैठा। यह कारक भाव है, तीसरा भाव कारक भाव होता है सूर्य का, ज्येष्ठ भ्राता के लिए कष्टकारक हो सकता है, भाई बहन के लिए कष्टकारक हो सकता है, लेकिन आपके पराक्रम में कई गुना साहस बढ़ाएगा, आपका वृद्धि करता है। रवि सूर्य, रवि यानी के सूर्य, शनि राहु और मंगल तीसरे भाव में आते ही ऐसा फुला देता है आदमी को, जैसे टायर में हवा भरने के बाद जो ताकत आती है टायर ट्यूब के अंदर, टायर फूलता है, ऐसी शक्ति प्रदान करता है। और अब हम दूसरी चर्चा करेंगे षडाष्टक की। इस समय आपके 11th हाउस में मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी, आपको रिसोर्सेज ऑफ इनकम से, मान सम्मान से नवाजता है, आपको सम्मानित करता है, अलंकृत करता है, यत्र तत्र सर्वत्र आपकी चर्चा भी होगी, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति और एकादश भाव में मंगल आपको अलंकृत करने के लिए आया है। यानी कि जब आकाश में तीतर पंखी बादल आते हैं तो समझ लो वर्षा करने के लिए आए हैं, और सिंह राशि के लिए जब एकादश भाव में मंगल आता है तब वो उसको अलंकृत मान सम्मान धन देने के लिए आता है, विशेष धन, और अगला साल पूरे साल आपको बहुत धन मिलेगा। ये बात मैं आज से ही बता रहा हूं। एकादश भाव में बृहस्पति, सोना चांदी का लाभ अगले साल होगा। खैर, अगला कि आपके 11th हाउस से शिफ्ट होकर के 20 तारीख को जब मंगल आपके 12th हाउस में आएंगे तो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो आपके भाई बहनों के लिए कष्टकारक, जो विदेश नहीं जा पा रहा था वो विदेश जाएगा। अगर जन्म लग्न के अंदर भी मंगल नीच राशि में है लेकिन दशा इस समय मंगल की नहीं चल रही होगी, कारण क्या है कि इस समय मंगल की दशा नहीं चलती, यंग एज में खासतौर से सिंह राशि की, सिंह लगन की हो सकती है। अब वो 12वें भाव में चला गया, वो षडाष्टक योग बनाएगा आपके 7th भाव से, तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस करने के लिए ये टोटल दिन होंगे 93 डेज। 93 डेज को माने आप 3 महीने और 3 दिन, तो अपनी मैरिज लाइफ को सुखी करने के लिए आपको वो ये न के न प्रकार न सब तरह से उपाय करने चाहिए। मैरिज लाइफ में पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि संतान के ऊपर बुरा असर पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो भी होंगे उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले ग्रह चल रहे हैं, लेकिन हमको केतु और राहु को बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके 2nd हाउस में जो केतु है धन कुटुंब और वाणी कुटुंब से अलग करना चाहता है, ये ग्रह आपको कुटुंब में विद्रोह, आपकी वाणी से सुंदर अच्छे शब्द प्रस्फुटित नहीं हो रहे हैं। केतु क्या कर रहे हैं, केतु धन इकट्ठा करने की चाहत में आप तड़प रहे हैं। 8th भाव में बैठा हुआ राहु अज्ञात रोग आपको डायग्नोज नहीं हो पा रहे, जो सीनियर सिटीजन है 80 साल से ऊपर वाले और उनको प्रोस्टेट है या इन्फेक्शन है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, नाभि से नीचे के रोग हैं, ठीक है दवाई खा रहे हैं डायग्नोज भी हो गया, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो मध्यम अवस्था के लोग हैं, 50 वर्ष की आयु के आसपास, कोई जवान बच्चे हैं, कोई किसी का बहुत
शरीर फूल गया, शरीर फूल कर फुहारा जा गुब्बारा जैसा हो गया, तो वेट रिड्यूस करने की आवश्यकता होगी, न कि एक्सरे कराना। आपके पैरों में सूजन है तो प्रोटीन की वजह से या कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी रिपोर्ट। अब हम आपको उपाय बताएंगे बड़े सरल। कुत्ते को रोटी देना और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। केतु और राहु का सरल उपाय यह है, एक गिलास दूध में तिल, 100 ग्राम तिल नहीं बल्कि 10 ग्राम तिल डालिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय। अगर पंचाक्षरी मंत्र पूरा पढ़ सकते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, बहुत से लोग संस्कृत नहीं जानते तो ओम नमः शिवाय, नहीं जानते मंत्र तो हाथ जोड़ करके श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा से किया जा सकता है। और फिर शुद्धोदक स्नान, गणेश जी की उपासना, 4 लड्डू बृहस्पति बुधवार के दिन, और गणेश जी को प्रणाम कीजिए। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।